गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, राम राम सभी को। आज तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया है, मिल नहीं रहा है। वो बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरा पर्स भी खो गया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो तो मेन डॉक्यूमेंट तो था ही, और पर्स भी खो गया। पता नहीं कहाँ है मेरा पर्स। हर जगह ढूंढ लिया, पूरे घर में, गाड़ी में, हर जगह। चिराग भाई से, डाकू भाई से, तान्या से सबसे पूछ लिया, किसी पे भी नहीं है पर्स। उसमें ATM 5000 रुपये थे, और उसमें आधार कार्ड, पता नहीं क्या क्या था। पैसे वैसे तो देखा जाए, पर उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, और एक मेन डॉक्यूमेंट मेरा खो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बड़ी टेंशन हो रही है। आज जा रहे हैं कुछ खाने, नया कैफ़े खुला है हमारे मेरठ में, वहाँ जा रहे हैं। मन कर रहा था आज बाहर जाके खाने का। और बात रही आदि पुरुष की, तो हम देख के आए थे, हमें जब तो थोड़ा समझ नहीं आया, पर हमने आके देखा, सोचा, लोगों की सुनी, तो हमें भी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं कहीं गलत है उसमें, कई कई चीज़ें गलत हैं मूवी में। एक तो VFX, तो मैं कल ही कह रहा था कि VFX सही नहीं है उस मूवी के। वो रामायण जैसे, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि रामायण जैसी नहीं बनाई इन्होंने, अलग है ये मूवी की तरह, मगर जब स्टोरी उस पर बेस्ड है तो हो रामायण ही हो गई फिर। वो अब लोग जो देख रहे हैं, यूथ देख रही है, वो तो यही समझेगी ये रामायण है, पर बढ़िया नहीं है मूवी। मतलब मुझे तो अब लग रहा है आके कि हाँ भाई गलत है उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। रामायण से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब रामायण से कंपेयर करेंगे ही, क्योंकि यार वो स्टोरी वही है। जब चलो भैया कोई बात नहीं, जिसने जो बनाया गलत है, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है जब मैं कूल माइंड से सोच रहा हूँ कि भाई गलत है, तो पता लग रहा है। कल तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं ठीक है यार मूवी देखने लायक है, बट नहीं यार, उसमें कई कई चीज़ें गलत दिखाई गई। एक डायलॉग है वो मैंने अब सोचा, हनुमान जी को बोलता है वो रावण का बेटा कि जली ना पूंछ में आग लगा के, जली ना अभी तो और जलेगी तेरी। तो उसमें फिर हनुमान जी रिप्लाई करते हैं उसका कि आग भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का, लंका भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होगी भगवान की, कि भगवान ऐसे बोलेंगे। ये मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है दूसरी वाली। चलो मैं लगा देता हूँ गाड़ी। न्यू कैफे, इसमें जाके देखते हैं। वीडियो फोटो में तो देखा था, बढ़िया था, अब जाके देखते हैं क्या मामला है। बाकी एक बार ATM से पैसे निकाल लेते हैं। चल तान्या, पैसे निकाल लेते हैं ATM से। इडन, मेरे को इडन जाना है, जो नया वाला कैफे खुला है। एडन पैडिन जो भी है भैया, देख लो, ये है तो बड़ा एस्थेटिक देखने में। बाकी एक तो यहाँ के रेट, चलो रेट भी देखे जाए, है तो महंगे। मैं तो देखो हमारी वाली ऑडियंस जो है वो है मिडिल क्लास वाली, हवाबाजी वाली नहीं है। 650 का पिज्ज़ा, 700 का पिज्ज़ा, 600 का पिज्ज़ा देख लो, ठीक है। और तो हाँ, रोमियो लेन वालों का ही है मुझे लग रहा है ये। तो भाई ऐसा है कुछ, ये तो एक बेकरी टाइप है। तो इधर स्टारबक्स ही चले जाओ, इससे तो सही, नीचे स्टारबक्स है, कम से कम अपनी जान पहचान तो है वहाँ। हमें नहीं बढ़िया लगा भैया, हम तो जा रहे हैं यहाँ से उठ के, हमें नहीं समझ आया। बता क्या करना है, ऑप्शन तेरे पे है, खाना है या चलना है। चलना है, मुझे क्योंकि ऐसी बेकरी पे विश्वास नहीं होता, ये सब ऐसा ही देते हैं, कॉफ़ी इनकी कड़वी और फिर खाना बेकार। अमीगोज मनाली में खाया था एक, अमीगोज में सब कुछ टट्टी था। तो गाइस वहां से तो हम आ चुके हैं, और फाइनली पापा का मेरे फोन आ गया, और मेरा डॉक्यूमेंट मिल गया, जो कि था मेरा पासपोर्ट। ये मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पिताजी को बताया कि पापा शायद वहां रखा होगा, तो आप वहां चेक करो। अब मैं धीरे धीरे भाई टेंशन बढ़ती जा रही है मेरी, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, तो मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा सोचने लगा हूँ। मैं थोड़ा इसलिए परेशान नहीं रहता, मतलब ठीक है यार, बट थोड़ा सा सोच लें। जब बड़े होते रहते हैं तो तुम्हारी जो होती है ना मेमोरी, वो थोड़ी कम होने लगती है, बुढ़ापे की ओर जा रहे होते हो ना। थोड़ा एज में डिफरेंस आ रहा है ना धीरे धीरे। हाँ, 26 साल का हो गया हूँ। ये देख लो अम्मा को, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, वॉलेट कार्ड चली जा, सॉरी वॉलेट कार्ड लो सुबह, सुन लो वॉलेट कार्ड, अपने हर चीज में अपना बिजनेस घुसाना है। वॉलेट नहीं मिला, वॉलेट मिल जाएगा, चलो उसकी तो मैं कंप्लेंट करा दूंगा, वो तो छोटी चीज है, मगर पासपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है ना यार। चलो, और क्या पता मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं, कहीं चला जाऊं घूमने। YouTube फैमिली कैसे बोल, पागल ही हूँ मैं, बहुत बड़ा पागल हूँ मैं, पागल। मैं सिर्फ मजाक करता हूँ आप सबका, फन करने के लिए।
आपको हंसी दिलाने के लिए करता हूँ मैं सब, ठीक है गाइस? चलो अब हम जाते हैं। ये है वो पिंक कॉलर, लड़कियों के कपड़े यहाँ चल रहे हैं। अच्छा हाँ। लेंगे कपड़े चाहिए मुझे? हाँ लूंगी। चलो अभी चलते हैं। ये नया कैफे है बर्बन जो कि है गंगानगर में। चलो कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे है ये। चल के दिखाते हैं आपको कैसा मामला है। चलो भाई आ जाओ भैया। तो भैया मुझे बोल रहे थे, मैं बोल रही हूँ भैया बोल रहे थे कि वेडनेसडे को लाइव म्यूजिक और गर्ल्स के लिए शॉट्स फ्री होते हैं। तो शराब पीती है? नहीं, मैं बोल रही हूं। कुछ की हो रही है? हाँ भाई लड़कियों के लिए वेडनेसडे को, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को शराब फ्री है लड़कियों के लिए, आ जाना और पी लेना, ठीक है भैया? वैसे हमारी जनता ऐसी है नहीं। चलो बहुत शानदार। तो गाइस हमने बियर मंगा ली है, अब मैं बियर पी रहा हूँ, देख सकते हैं आप। अबे यार तुमने प्रैंक फेल कर दिया, सबको लगता बियर है ये। कोई बात नहीं, ज़्यादा बहुत खास नहीं है ये, है ना? बहुत हंसी हो रही है यहाँ पर, बच्चे फन कर रहे हैं। मेरठ की जनता सब सुन लो, ये जो कैफ़े है इसका पहले वाला टेस्ट तो है नहीं जैसा पहले था। देखो ये देखने में सही लग रहे हैं, अब पिज़्ज़ा खा के देखते हैं कैसा है। बाकी चिली मशरूम को 10 में से 5 नंबर और इसको 10 में से 0, 10 में से 0 मोहितो को। इससे पहले हमने एक्स ऑन द बीच मंगाया था, एक मोहितो है इनका, मतलब ड्रिंक है वो तो बिल्कुल ही बेकार, -1 रियल जूस से भी बुरा था वो तो। अब ये पिज़्ज़ा टेस्ट करके बताएगी कैसा है, जेन्युइन बताइए। पिज़्ज़ा तो देखने में मुझे ठीक लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है। पनीर, ये पनीर नहीं है शायद, चीज़ है। कैसा लगा? ठीक है, चलो पिज़्ज़ा तो ठीक है बट ये दोनों चीज़ तो बस ठीक ही है, मत आना, ठीक है? सही बता रहा हूँ भाई, पिज़्ज़ा को भी 0 दूंगा मैं, 0 बिल्कुल मत आना, सही बता रहा हूँ, वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे पैसे। और महंगा है, जिस हिसाब से पैसे हैं उस हिसाब से टेस्ट नहीं है, बिल्कुल 0 है, सही बता रहा हूँ, खराब है बिल्कुल, कोई बताना। अगर कोई हमसे यहाँ के रिव्यू पूछे तो मैं उसे 0 दूंगा। और मैंने अभी मोहितो की कंप्लेंट, जो मोहितो बना रहा है लड़का, उससे भी बोला, तो उसने भी टेस्ट करके बोला कि हाँ सर सॉरी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इससे बस ये बाथरूम बना दिया इन्होंने ऐसा, बाकी मुझे तो बढ़िया लगा नहीं भाई, मैं तो 0 नंबर दूंगा, 0 मुझे नहीं बढ़िया लगा। और चीज़ क्यों बढ़िया होगी, जब 2 ही चीज़ मंगाई तुमने, 4 चीज़ मंगाई, चारों चीज़ बेकार थी। फिर पिज़्ज़ा ठीक नहीं होता, देखो जहाँ जा रहे हो अच्छा हो या बढ़िया हो, जब ही तो आ रहे हो पैसे खर्च कर रहे हो तो घर पे बना लोगे ठीक, तो मुझे नहीं मजा आया। कोई मत आना, पहली बोल रहा हूँ 0 नंबर है। चलो भैया हम तो जा रहे हैं यहाँ से पैसे दे के। एक बात मुझे बढ़िया लगी, यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। अब उन्होंने मेरे मोहितो के पैसे नहीं लिए, पहले मैंने एक मंगाया वो ख़राब था, अपनी बजट लगा, मैंने उसको वापस कराया, फिर दूसरा मंगाया वो भी सही नहीं था तो मैंने वो भी वापस कर दिया, और फिर मैंने सेकेंड वाला उनको टेस्ट करवाया तो उनको भी सही नहीं लगा, तो उन्होंने हमारे पैसे नहीं लिए इस चीज़ के। और बहुत पोलाइट है यहाँ का स्टाफ, बड़ा अच्छा है, बाकी टेस्ट मुझे बढ़िया नहीं लगा, वर्थ इट नहीं है आना। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं और ट्राई करेंगे। जैसा आज हमारे साथ हुआ है, हम बात कर रहे थे दोनों, एक बार हम दोनों और गए थे, हम गए थे पिंड बलूची, जो इधर गढ़ रोड पे हारमोनियम के सामने मेरठ में, पिंड बलूची जो है, इतनी टट्टी भाई, हम तो जहाँ नई जगह चले जाते हैं, हमें समझ लो मेरठ में कोई जगह बढ़िया होगी। एक तो ये डिवाइन कैफे मुझे बढ़िया लगता है, रीजनेबल रेट और खाना बहुत बढ़िया, ठीक है। एक LFC बढ़िया है, ठीक है, मैकडी तो एवरग्रीन है ही, वो तो बड़ी फ्रेंचाइजी है, मतलब जितने लोकल कैफेज खुल रहे हैं ना ये खाम खा की प्राइसिंग बढ़ा रखी है और गुड टेस्ट दे रहे हैं एकदम। अबे भैया मेरठ में लोग एस्थेटिक नहीं है, देसी खाने वाले हैं, बढ़िया टेस्ट होना चाहिए। पिंड बलूची चले गए, वहाँ खाना मंगा लिया, इतना गंदा भाई, हम तो छोड़ के आ गए ऐसे। और ये लो ये बर्बन चले गए, ये तो फिर भी जानने वाले हैं वो, तो क्या ही बोल सकते हैं यार, हमें तो भाई मैंने तो क्रॉस मार दिया, हम नहीं खेल सकते। हाँ देख लो, हम तो पिज्ज़ा छोड़ दिया हमने बीच में, दिखाइए खाए, ये रहा देखो पिज्ज़ा देंगे अब किसी को, कोई खा लेगा बेचारा, हमने तो थोड़ा बहुत खाया, हमसे नहीं खाया गया भैया। इससे तो बढ़िया इनक्रेडिबल मेरठ है एक पेज, उस पे देखो आप कितना तगड़ा तगड़ा खाना दिखाते हैं वो,
बढ़िया बढ़िया चीजें कवर करते हैं वो, ऐसा खाना खा लो साला 100 रुपए में आदमी का पेट भर जाए टेस्ट। और यहाँ पे यहाँ ना भरे तुम्हारा 1000 रुपए में भी। अब हमने 1200 रुपए बिल दिया जिसमें मोहितो के पैसे नहीं जुड़े, मोहितो के पैसे जुड़ते 1500 रुपए बिल आता, अभी हमारा आया 1150 रुपए और 1150 रुपए वेस्ट हो गए। सिर्फ एक रेडबुल तो हमने मंगाई, वो तो चलो कोई बात नहीं, 260 रुपए का मोहितो टट्टी टट्टी भैया मेरा बहुत जी कलप रहा है, दुख होता है यार जब खामखा के पैसे जाते हैं, आराम के थोड़ी आ रहे हैं, ऐसी थोड़ी दे देंगे कहीं, अबे अच्छी जगह खिलाओ। 22 पैसे ले रहे हो, बात पैसे की नहीं है, महंगा जब लगता है जब टेस्ट ना मिले। अब ऐसे क्या हम खाते नहीं है, स्टारबक्स भी जाते हैं 500 रुपए की कॉफी पी लेते हैं, टेस्ट तो है ना भाई, अगर पैसा ले रहे हो आप तो सबसे टेस्ट भी दो, वर्थ इट होना चाहिए फिर आपके यहाँ आना। अब क्या कहते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में जो 50 रुपए की कॉफी दे रहे हैं, टेस्ट बढ़िया उनका मिनिमम है उसके हिसाब से, अब वो वही टेस्ट दे के वो 500 रुपए ले और वैसी कॉफी दे तो फिर मजा नहीं है ना यार, फिर तो उस हिसाब से जैसे पैसे दे रहे हो वैसा ही टेस्ट होना चाहिए। प्रीमियम द बर्बन लॉन्ज एंड प्रीमियम कैफे, प्रीमियम लाउंज, हाँ भैया हम नहाएंगे और हमारी पब्लिक और सुन लो, चले गए तो पछताओगे, ध्यान रखना, जेन्युइन बता रहा हूँ जेन्युइन। ठीक है जी, ठीक है गाइस, हमें मिल गया जाम, अब हम जा रहे हैं कुछ खरीदने, मंदिर, हाँ मंदिर भी जाएंगे। अब हम आए थे अपने लिए वॉच लेने, कृष्णा वॉच वाले लेके आए, बट जो हमें चाहिए वो है ही नहीं, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती। तो ये वॉच चाहिए थी हमें विंटेज, भैया के यहाँ मिली है, कृष्णा वॉच वालों के यहाँ आए हैं हम, देख सकते हैं आप, इन्होंने अभी अवेलेबल करा दी, इन पे थी नहीं बट इन्होंने फ़ोन करके मंगाई है, तो ये दोनों ले लिए हमने, तानिया के लिए ये मैंने अपने लिए, तो बहुत अच्छी लग रही है, विंटेज कलेक्शन है, कैसी होगा ठीक है, पैक कर दो भैया आप, बढ़िया बढ़िया लगी, तुझे कैसी लगी, मजा आ गया, चलो भाई इसको गिफ्ट दिया है मैंने चल खुश हो जा। रात को तो ये चराया मुझे बहुत ही एस्थेटिक लगता है, ऊपर से ग्रीन लाइट और ऊपर से हरा पानी, वाव क्या बात, भगवा कलर का पानी गिरना चाहिए, भगवा कलर की लाइट होनी चाहिए, हरा गिर रहा है क्या तरीका है, बढ़िया पानी गिरे जब तो मजा आए, जी लग जाए। आज हमारे उस्ताद जी आए हैं, पैक चल रहे हमारे मौसा जी के, पिताजी के देख सकते हैं आप, शराब पी रहे हैं आज, ये अंडे इतने सारे कौन खाएगा, अच्छा एक करी बननी है क्या, नाइस नाइस गाइस, देख सकते हैं आप दारू, हमारे पापा दारू भी पीते हैं, मैं घड़ी लाया हूँ नहीं दे दो, सही है ये देखो हालत, देखो हालत देख लो क्या बना रखी है, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं, वैसे एमिटी में पढ़ते हैं ये, उठाई गिरे, हाँ उठाई गिरी हो तुम, चलो क्या खाएगा तू, पैसे नहीं है भाई मेरे पास, भाई हम खिला देंगे खिलाओ, अब तुम ही खिलाओगे, चलो पैसा देख रहा हूँ, मत बंद करना ये रहा। पैसा इतना है ना, ओ सिस्टम, चलो भाई चलो। तो गाइस हम जा रहे हैं चंसारा, मैं तुषार वासु और अविरल भाई चिंकी भाई के फार्म हाउस पे, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, उन्होंने हमें इनवाइट करा है, हम जाएंगे वहाँ, ये सब शराब वराब पियेंगे और मैं पीऊंगा रेडबुल, और अविरल भाई तो पीते नहीं, मैं पीऊंगा, मैं अपनी फैमिली को सब बता देता हूँ, तुषार तो पीता है, थम्स अप पीता है तुषार, हाँ तुषार थम्स अप पीता है, और तुषार पीता है पिसा, प्रणव को भी लेना चाहिए था यार, गलती कर दी, प्रणव आता नहीं यार, प्रणव में ऐठ आ गई बहुत ज्यादा, प्रणव हवा में रहने लगा, कोई बात नहीं चलते हैं यार, आपको दिखाते हैं मामला क्या बैठता है आज से, हम रास्ता भटक गए बहुत गलत तरीके से, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कुछ नहीं दिख रहा हमें, हम भूल गए रास्ता, मतलब भूले क्या, हमें कोई पता ही नहीं रास्ता, लोकेशन वहीं एंड हो गई, मैं दिखाता हूँ आपको, बोर्ड साइन बोर्ड आया मेरी बाहर, अभी तो सामने ऐसा कुछ खड़ा था जैसे बूथ सा खड़ा हो कोई, यहाँ तो सब बनने हैं घर वर, पता नहीं क्या है सिस्टम, हमें समझ नहीं आ रहा भाई, लेफ्ट ले लेना आगे से, मुझे लग रहा है वहीं है, गाइस हम आ चुके हैं अपने फार्म हाउस पे, आप देख सकते हैं हमारा फार्म हाउस अभी रेडी हो रहा है, अभी काम चल रहा है इसमें, देख सकते हैं आप बहुत खतरनाक तरीके से, मलाइका मैम, मलाइका मैम और निकालो थोड़ी सी, बहुत शानदार, मलाइका मैम भी आई हैं त्यागी जी के फार्म हाउस पर, और चखनी मिर्च, चैन देख ले एक बार, गले में चैन देख ले गाइस, हमारे भाई खाना पीना देख के पागल हो चुके हैं, ये देखो सिस्टम, बहुत शानदार पार्टी माहौल, चलो गाइस रेस होने वाली है, 1 2 3 गो, अबे भैया अबे भैया, ओ ओ,
अब सिर से आसन होने वाला है, देख सकते हैं आप। चाचा के सिर लगेगा, ले बना दिया चूतिया दुनिया। हम जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अविरल भाई और मैं, बट ये जान नहीं दे रहे हैं हमें, बड़ी दिक्कत हो रही है। हम क्या करें भाई, जाने दो यार। ताला लगा लिया है गेट पे, देख सकते हैं आप, जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। ये लो, ये लग रहा ताला, बहुत बड़ा ताला लग रहा है। लो गाली गलौज बदतमीजी फुल। गाइस आप मुझे जब सुबह ही सुबह 10 बजे उठ के देखते होंगे इस चांद से चेहरे को, तो आपके होठों पर एकदम स्माइल आ जाती होगी, क्योंकि आपने ऐसा लड़का आज तक अपनी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा। इतना खूबसूरत, ये जन्म से ही इतना सुंदर नहीं था। जैसी इसने 18 की उम्र पार करी, ये एकदम एस्थेटिक हिंदूवादी बच्चा बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मुझे इतना खूबसूरत मानते हैं। मैं हूँ, मानते नहीं है, मैं हूँ। थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। थैंक यू।